फाजिलका की डिप्टी कमिश्नर सेनू दुग्गल सड़क के किनारे बैठ सुन रही हैं महिलाओं की समस्या। फाजिलका उपायुक्त गांव की महिलाओं की बात सुनने के लिए सड़क के किनारे बैठ गए। इसी दौरान जीरो लाइन के किनारे कृषि कार्य में लगी कुछ महिलाओं ने उपायुक्त से बात करनी चाही, तो उपायुक्त डॉक्टर सेनू दुग्गल और विधायक श्री नरेंद्र पाल सिंह ने सड़क किनारे बैठकर उनकी बातें सुनी और उनकी समस्याएं सुनी। अधिकारियों को मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सेनू दुग्गल ने कहा कि फिलहाल फाजिलका जिले में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों पर राहत कार्य के लिए अग्रिम प्रबंध कर रही टीमों से भी बातचीत की और प्रबंधों की समीक्षा की। जहां प्रबंध विभाग सतर्क और तत्पर दिखे, वहीं सीमावर्ती लोगों के हौसले बुलंद दिखे और उन्होंने प्रशासन युक्त ने कम्बावाली पुल का दौरा किया, जहां पुल की छत से अभी भी 2.5 फुट नीचे पानी बह रहा है और सतलुज की इस खाड़ी का पानी किनारों के ठीक अंदर है। अपील की गई वे तुरंत सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। प्रशासन से खतरे का संदेश मिलने पर 1-2 दिन तक तार पार खेती के लिए ना जाएं। इस मौके पर उपायुक्त ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को नदी में पानी के बहाव पर कड़ी नजर रखने और किसी भी संभावित खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर इस क्षेत्र के खेतों के लिए बिजली उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र पाल सिंह सावना ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने बाढ़ राहत प्रबंधों के पूरे इंतजाम किए हैं और स्थिति अभी भी नियंत्रण में है और सरकार इस अवसर पर लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने अपील की कि प्रशासन और बीएसएफ द्वारा बताई गई धमकी के अनुसार लोग घबराए नहीं बल्कि सुरक्षित स्थान पर आ जाएं। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त जनरल अवनीत कौर, अतिरिक्त उपायुक्त विकास श्री अमित पांचाल, एसडीएम श्री आकाश बंसल, तहसीलदार सुखदेव सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। उधर फाजिलका की एसएसपी अवनीत कौर ने भी सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।